सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल का ली ब्लॉग अगेन टू डेविंग यू गाइस ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हमारा प्लान है साउथ गोवा में अगोंडा बीच जाएंगे। अगोंडा बीच के बाद देखते हैं कौन से वाले प्लेस जाएंगे। एंड दिस इज माय आउटफिट लाइक वाइट। यहाँ पे ना गोवा में वाइट, जब भी आओ ना कोई भी समुद्र या सी में जाओ ना, वाइट आउटफिट सबसे ज़्यादा लाइक रिफ्लेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा दिखता है। सो कभी भी आए तो वाइट आउटफिट में ज़रूर लेके आना। मैं तो ज़्यादा वाइट आउटफिट ही लेके आई हूँ। एंड हम यहाँ से भी खरीदे थे हमने काफ़ी सारे। तो देखो यहाँ पे हमारा पीछे है रूम। तो अभी हम लॉक वॉक करते हैं फिर चलते हैं। जैसे हमारे देवदार और चीड़ के पेड़ दिखेंगे, यहाँ पे आपको नारियल के पेड़ दिखेंगे। तो अभी तक तो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फन आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। और आप वो वीडियो भी अच्छी लग रही होगी आप लोगों को। क्या कर रही हो ये? अरे मत तोड़ो, फाइन लगाएंगे इतने छोटे पेड़ में। सो गाइस, हेलो गाइस, नारियल खा लो, कितना बड़ा नारियल लगा इतने छोटे छोटे पेड़ में भी। तो गाइस यहाँ को हमारे कॉटेजेस हैं, ये पूरा जो हम इस रिजॉर्ट पे रुके हुए हैं, ये बिल्कुल बीच साइड रिजॉर्ट है। गाइस आपका स्वागत है अगोंडा बीच से। और आपको पीछे दिख रही होगी ऐसी बहुत ऐसे भी आम मार्केट है। एंड आपको हर बीच के इस मार्केट मिल जाएगी, बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे ऐसे कपड़े मिलते हैं और बीच वाइब्स के कपड़े मिलते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं अगोंडा बीच, अब अगोंडा बीच चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। प्रॉन्स फ्राइड राइस, देखो ये प्रॉन्स है, सी फूड। गाइस मैंने ना इससे पहले खाया है, प्रॉन्स ही खाए हुए पहले भी, बट आज फिर से ट्राई कर लेते हैं। गोवा में ऐसी फूड ट्राई नहीं किया तो क्या खाया। नहीं होता नॉर्मल, जैसे एग होता है, चिकन होता है, वैसे तो अभी हम खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। गर्ल्स लुक, पहुँच चुके हूँ मैं, पहुँच चुके हम अगोंडा बीच में और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और देखो आपको यहाँ पर रिजॉर्ट कैसा है, बिल्कुल पोल वाले में, और ऊपर जैसे ट्री हाउस वाले टाइप में नहीं होता, पोल्स में बने और ऊपर है, बिल्कुल नीचे नहीं है, नीचे सारे देखो स्कूबा। क्या सुंदर बीच है यार, माय गॉड। यहाँ पहले तो देखे रह जाते हुए वीडियो, तो कहाँ से बनाऊँ मैं, तो दिखाती हूँ आपको। ये देखो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बीच लाइक बहुत कम आते हैं यहाँ इस बीच में। जो पैलेलम बीच और ये जो अगोंडा बीच है, ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल लास्ट मतलब गोवा के बीच में। यहाँ पे बहुत बड़ा, देखो सारे रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट ही सारे रिजॉर्ट, ये पीछे सारे रिजॉर्ट है। तो सुंदर सुंदर रिजॉर्ट है यहाँ पे, बिल्कुल सी फेसिंग है, सब सब सी फेसिंग रिजॉर्ट है। वाह, वहाँ पे चले गए, ये देखो अंदर जा रहे हैं। हाँ तो ये जिंदे हैं, बोला अंदर जा रहे हैं, टूटे हैं। हाँ सर, ओह माय गॉड, इनके ऊपर है ना, अंदर है इनके। ओहो, बड़े बड़े होके फिर शायद छोड़ देते हैं आप। दो तीन है फिर खा जाते हैं। अरे ऐसे लग रहा है पीछे को आ रहे हैं। वो मिट्टी जा रही है तुम्हारे पांव से। वाओ दिस क्यूट इज लुक, कितना प्यारा लग रहा है। हाय बडी, हेलो, देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसका हेयर कट देखो। सो गाइस इस वाले बीच में इतनी खतरनाक खतरनाक टाइड आ रही है ना, और पांच बार एक ही साथ आ रही है, तो ज़्यादा लग रहा है हम लोग मतलब वहाँ से बिल्कुल मिट्टी के साथ ही ऐसे करके चल के ऊपर आ रहे हैं। और बहुत सुंदर लग रहा है ना, वाइट, इतने लंबे लंबे बीच है ना, हम लोग जा ही नहीं पा रहे, मतलब स्टार्टिंग एंड से लाइक एंड पॉइंट तक हम जा ही नहीं पा रहे। पर ये बीच इतना सुंदर है ना, ऐसा लग रहा है वाह। ओ
वहाँ तक देख। गोंडा बीच ना पालोलम बीच के बीच से ओनली 25-20 मिनट का रास्ते में है, मतलब 9 किलोमीटर समथिंग है। 20-25 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच गए और इतना सुंदर है ना यहाँ पे आके, ऐसा लग रहा है बिल्कुल खुला खुला सा। ये बन के वो बनता है संख। अच्छा, और ये वाह, ये बिल्कुल तो संख की शेप में है, देखो जिंदा है वो स्नेल। ओ भाई साहब, स्नेल है, संख बने गए, दिख रहा है ये। ए हाँ, ये देखो मुझे क्या मिला, तो बड़ा ये सारे मैं कलेक्ट करते जा रही हूँ, घर ले जाऊंगी। तू पकड़ने में लगे हो, काटेंगे ना जब पता चलेगा। ये बड़ा हो के संख बने गए। चल बेटा बड़े होके संख बनना, फिर बाद में हमें मिल जाना। छोटा है वो, ओ उनका पर्सनल डॉग है। कितने मुझे ले रहा है। ये केकड़े वकड़े पकड़ने में लगे क्या, छोड़ दो ना। अरे यार छोड़ दो, मजा आ रहा है। सुबह हम ऐसे वॉक करते जा रहे हैं और बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे, बहुत आगे तक है, मतलब कैमरे में पूरा भी नहीं आ रहा। और जो फील रियल में आ रहा ना, मतलब वो तो कम कैमरे में कभी भी कहीं भी नहीं आ सकता। और आगे लैब्राडोर है जिनका, इतना मजे ले रहा है ना वो भी सारा टाइड में। देखो कितना सुंदर हो, जैसे जैसे सनसेट हो रहा है वैसे वैसे और भी प्यारा हो रहा है। आज थोड़ा बादल लगे, वाओ दिस इज अनरियल व्यू। जहाँ पानी खत्म हो रहा है वहाँ पे देखो, ये तो सूट करो, देखा क्या देख। ओके सर अंदर से ले गया, उतने रही तो जल्दी जल्दी अंदर से ले जा। जितने भी ऐसा कोई बने ना, ये सारे केकड़े आ रहे हैं, ये टाइट के साथ केकड़े आते जा रहे हैं और इतने जल्दी अंदर से जा रहे ना खेल, मतलब एक मिनट में। ये देखो ये अंदर चले गया, देखते ही ये अंदर चले गया। बाय बाय गोंडा बीच। सो गाइस, अगर आपको बिल्कुल पार्टी करनी है जितने दिन भी आप गोवा आओ, और थोड़ा मतलब लाइक वाटर स्पोर्ट्स वगैरह करने हैं काफ़ी ज़्यादा, बस पार्टी फ्रीक है, तो आप बिल्कुल नॉर्थ गोवा में ही रहे। बट अगर आपको बिल्कुल नेचर से रिलेटेड बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल क्लीन बीचेस चाहिए, तो आप साउथ गोवा जरूर आना। इतने ब्यूटीफुल है ना, आपको छोड़ते हैं ना पैलेस ऑफ कैरेबियन में बीचेस है, सुंदर सुंदर वैसे इतने सुंदर सुंदर नेचुरल बिल्कुल अनटच्ड बीच है और बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो अगर आपको ऐसे साउथ के लाइक इतने सुंदर सुंदर बीचेस देखना और फुल बीचेस का मजे लेने, तो डू विजिट साउथ गोवा। साउथ गोवा के बेस्ट बीचेस हैं, नॉर्थ गोवा में भीड़ी भीड़ मिलेगी, भीड़ी भीड़, बट साउथ गोवा में आपको ये सब नहीं मिलेगी। तो गाइस हमने यहाँ से भी सेल्फी इकट्ठा करे, और देखो यहाँ पे ना थोड़े लंबे वाले सेल मिल रहे हैं सारे बीचेस में, अलग अलग सेल्स हैं। सो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको पता चल जाएगा मेरा नेक्स्ट व्लॉग इज लाइव। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।